बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरी तरफों सारे दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद दिन नमाज 7:30 बजे तैयारी होगी, चले हूँ ईद दिन नमाज पढ़ा। अच्छा जी, घरों में बाहर निकला है, मस्जिद वाल पे जाने हैं। मस्जिद है इतों घर तकरीबन 2-3 मिनट का फासला है। दुनिया का मालो दौलत जाओ जनाब इज्जत हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता की थी, बजाय अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने
इंसान जिस मकाम पे हुए जिस वक्त की मौत आती कोई दुनिया की ताकत नहीं आ रही उसमें रोक हाँ जमीन होते ही हाँ हजारों मील बुलंदी होती दुनिया ने किसे कोने के अंदर दुनिया ने किसे मुल्क के अंदर मौत पर हाथ के फरमाया कुल लो नफ्स इंतजार का तुम मौत हर दिन हमें मौत का तय कर कल की बात है जिसे सब सुना होगा एक तैयारा जरा है जरा लाहौर की चलिया और कराची जाके वो पता नहीं और बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब जाके पाव बर्बाद हो कितने लोग इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है लेकिन इंसान वाले को जिंदा रखी गई हर वक्त अपनी मौत को याद रखो और उसकी याद रखो वही फिक्र जरा इंसान अपनी मौत को याद रख रहा है उसकी फिक्र करता है उसकी तैयारी करता है वही इंसान को याद रखता है अपनी कब्र को याद रखता है दुनिया की जिंदगी चार दिन चंद लम्हे चार दिन की जाती है अगर दुनिया के उत्ते तुम कुछ कमाई करोगे दुनिया की कभी कहीं सल्लल्लाहु तआला ने फरमाया अब दुनिया मज़ा अब आखिरा दुनिया आखिरत दुनिया है तो जो कल कभी करना है कोई कल नहीं करना आज सारे कोई वक्त सारे कोई टाइम मौत का दरवाजा खुला कितना ले पहले तौबा का दरवाजा खुले आज सारे को वक्त यहाँ से अपने आबाद में दुरुस्त कर लगी सच्चे दिल के नाल गुनाह मजी तौबा कर गई नेक आमाल की कोशिश करी दुआ के नाम सवाल बता रहा है नाम को सही मैंने जंदर कुरान के लिए पढ़ के उस पर मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाई कुरान के बाद की जाते जाता तलावत करने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला की जो मसाजिद की जो आबाद करने की तौफीक अता फरमाई जिस तरह आज शौक और जोश के नाल बड़ी मोहब्बत के नाल किसी वस्तु का शरीर से आए हो ऐसे तरीके के नाल हर रोज पांच वक्त नमाज के अंदर मस्जिद तशरीफ ले आओ मस्जिद अल्लाह का घर है ये ना बंदा मस्जिद नाल प्यार कर दिया मोहब्बत कर दिया अल्लाह तबारक व तआला की दुआ करो और कोशिश करो कि नबी जी सल्लल्लाहु तआला हर सुन्नत अमल की तरह आप इस बात को मेरा मुताया की तरह रोज के मुताबिक कोशिश करो अमल करने की इन्हीं सारे कामयाबी का हाल और कामयाबी का रास्ता है दुआ है कि अल्लाह तआला को बता रहा सब लोग सारे तमाम सुन्नत के लिए गुनाह माफ फरमाए और ऐसा ही कमाल करने की तौफीक अता फरमाए हम कायम बिल्कुल करेंगे नियत रखेगी और नमाज का तरीका रखने देगा और उसके बाद के लिए नमाज जमात खड़ी हो जाती है और उसके बाद सना पड़ी गई
सलाह पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाह हु अकबर कह गए। अल्लाह हु अकबर तो पहली मरतबा जब पढ़ा जाए आसमान लेने और सलाह पढ़ने سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك पढ़ के उसके बाद अल्लाह अकबर पढ़ना है तो फिर रुकू ही हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर करना है फिर हाथ छोड़ दें, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर करना है कि फिर हाथ बंद। उसके बाद दो रकातें भी लिया बोलियां पढ़ी जाती हैं। पढ़ने के बाद इस वक्त रुकू करना है, दो रकातें मुकम्मल पढ़नियां हैं, उसके बाद इस रुकू करना है तो फिर अल्लाह अकबर करके रुकू नहीं आना। अल्लाह अकबर कह गए हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर कह गए हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर कह गए हाथ छोड़िए, फिर मतलब छोड़ने जो भी बता अल्लाह अकबर कह के रुकू करना है। और उसके बाद फिर रुकू क्यों करके तशद बैठे रहेगा और सलाम फेरने के बाद जुमे की नमाज को खुतबा जरा पहले पढ़ाया जाता है और ईद की नमाज जी पढ़ के फिर खुतबा पढ़ाया जाता है। खुतबा सुन के सब दोस्तों बुजुर्गों ने अपने दूसरे भाइयों बुजुर्गों को ईद मिल गए तो फिर चढ़ाया जाना है। दुआ के अंदर अखबार को दादा साहब हाजिर अपनी बात करें ईद असि पढ़ ली, घर जा रहे हैं, ईद मुबारक जी। एक फोटो फोटो ईद मुबारक पता लगे कितने बजे आए ने, कितने गए ने, काउंट होने चाहिए ना। निगे असि तो रोज़ा बनाया वा, सुबह पक्का रोज़ा है त्री मंडे। चलो सऊदी वाले आंदे त्री हो गए ना। हाँ है सन पैसे कितू ले नी दहा। हाँ पैसे मन कितने नी चीज ही लैनी है। चीज ही लैनी है, चीज ही लैनी है।